जवानी फिर नहीं आनी टू का सबको है बेसब्री से इंतजार। फिल्म की कास्ट तशहीरी मुहिम के सिलसिले में गुलबर्ग रेस्टोरेंट पहुंच चुकी है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज लबीबा अरशद के हमरा हमायूं सईद और कुबरा खान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइए लबीबा। ईद कुर्बान का बेसब्री से इंतजार करने की एक और वजह भी ये है कि ईद कुर्बान पर जवानी फिर नहीं आनी टू भी रिलीज़ की जा रही है, जिसका शायकीन को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ट्रेलर से देखा जाए तो तमाम तरह जो इंग्रेडिएंट्स है, रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस, वो तमाम तरह मौजूद है। और फिल्म के जो गाने हैं वो भी तहलका मचा चुके हैं। तो इस वक्त फिल्म की कास्ट हुमायूं सईद और कुबरा खान मेरे साथ मौजूद है, फिल्म से मुतल्लिक इनसे बात करते हैं। अच्छा कुबरा, सबसे पहले बताइएगा कि ट्रेलर से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये बताइएगा हुमायूं के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेयरिंग इनके साथ हुई, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम। ही मेड एवरीथिंग, हर चीज इतनी आसान कर दी उन्होंने मेरे लिए कि बहुत ही अच्छा। पहली फिल्म का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था हमें, हमने ऑब्वियसली फिर इन्होंने दूसरी बनाई और ट्रेलर से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि जो ट्रेलर में दिखाया है ना, वो 10% भी नहीं है फिल्म का असली। हमने जो मेन चीज़ें वो तो छुपा के रखी हुई हैं, अभी तो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। एंड या इनसे पूछें कैसे लगा मेरे साथ काम करके। इनके साथ काम करने का तो आपने बताया, अच्छा बताया आपका अपना रोल कैसा और फिल्म का आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? मेरा सबसे फेवरेट गाना है लाहौर लाहौर, जब तक रिलीज नहीं हुआ। क्या कहना था कि ये काफी एक्साइटेड है फिल्म को लेके, फिल्म के सॉन्ग्स को लेके। और अब बात करते हैं हुमायूं सईद से। अच्छा हुमायूं, आप बताइएगा कि जो देखा जा सकता है कि ट्रेलर में कुछ न्यू कमर्स भी हैं, लेकिन आप सबसे पुराने हैं, तो आपको अपना सबसे पहले बताएं फेवरेट डायलॉग सुना। देखिए फेवरेट डायलॉग जो है वो इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डायलॉग्स हैं वो मज़ेदार वाले वो सोहेल अहमद साहब और अहमद भट्ट पे हैं, यू नो फनी वाले, और जो पंच लाइन्स होती हैं। हम दोनों का रोल ज़्यादातर रोमांटिक है इसमें, तो रोमांस के अंदर हमने आँखों से ज़्यादा काम चलाया है, इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। तो वो आप फिल्म देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा बताइएगा कि आप अपने रोल के बारे में कुछ बताएं फिल्म में, क्या जवानी फिर नहीं आनी वन में जैसा आपका रोल था, अभी भी उसमें ऐसा ही रोल है आपका? नहीं, जैसा जवानी वन में मेरा रोल था वैसा बिल्कुल नहीं है, अलग है उससे। जैसे मैंने बताया कि रोमांटिक ज़्यादा है इसमें रोल जो है। लास्ट टाइम जो है मैं ज़्यादातर बहुत तेज किस्म की हरकतें कर रहा था उसमें, और बहुत स्मार्ट था, बहुत शार्प था। बिल्कुल हुमायूं सईद से हमारी बात हुई, इनका कहना था कि जवानी फिर नहीं आनी पार्ट वन में जो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम में डाला था, जवानी फिर नहीं आनी टू में इनको वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और उनके कास्ट से हमारी बात हुई, इनका कहना था कि काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, जैसा कि बाकी लोग हैं उनका कहना है यकीनन जो है फिल्म लोगों को पसंद भी आएगी। जी शुक्रिया लबीबा अरशद तफसीलात से आगाह।